हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज हमने ऑर्डर किया है आईबेल कंपनी का 700BT रेडियो, जो कि ब्लूटूथ सपोर्टेड है, और उसमें हम वो जो रिट्रो रेडियो है उसमें हम लोग नॉर्मल पेन ड्राइव वगैरह भी चला सकते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स इट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए नए अच्छे वीडियोस के लिए। आईबेल का रेडियो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 band का रेडियो, मतलब यहाँ पे FM, AM और SW का सपोर्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है USB, मतलब आपका पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये भी सपोर्ट करता है, और ये आपका ब्लूटूथ रेडियो की तरह, मतलब ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी काम करता है। और कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो अगर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ है, लेकिन मेरे को मिल गया सिर्फ 1500 रुपया में। सो लेट्स ओपन इट। अरे ये खुल नहीं रहा है। अबे खुल साले। अरे भाई इसको तो चाकू लगाना ही पड़ेगा, देखता है चाकू लगाने के बाद ही मानेगा ये। अरे वाह, ये तो खुल गया। ये निकला अपना रेडियो और ये है उसका पावर केबल। ये एक रेडियो, एक रिचार्जेबल रेडियो है। ये पावर केबल के यूज़ से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करने के बाद यहाँ पे तो लिखा हुआ है कुछ 7-8 घंटा चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना टाइम चलेगा। अरे ये लोग इतने सारे पैकेजिंग क्यों करके रखे हैं, बहुत दिक्कत होता है खोलने में। एक एक बार सब खुल के आपको दिखाते हैं। ये निकला अपना प्यारा सा रेडियो। अरे ये तो दिखने में बिल्कुल जो सारेगामा का कारवान आता है उसी के जैसा है, और उसका प्राइस 6000 का है और इसका प्राइस 1500 का। वाओ, रेडियो कितना क्यूट है भाई, कितना छिल रहा है। लगता है यहाँ पे अंदर कुछ चीज टूट गया है, टूटा उटा हुआ है, जिसीलिए ये आवाज कर रहा है, कड़कड़ कर डक डक करके आवाज कर रहा है। पता नहीं क्या टूटा हुआ है इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वुडन फिनिश का दिख रहा है, लेकिन ये वुड का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, वो कलर कोटेड है। और इसका जो हैंडल का क्वालिटी है बहुत प्लास्टिक का है, लो क्वालिटी है, बजट के हिसाब से तो सही है। और ये बटन्स भी प्लास्टिक है, यहाँ पे प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस और मोड का बटन दिया गया है। USB पोर्ट है, आप USB पेन ड्राइव वगैरह डाल सकते हैं और microSD कार्ड भी डाल सकते हैं। और इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, बैंड स्विच दिया गया है, जैसे कि ऊपर वाला USB चूज करने के लिए, उसके नीचे वाला FM, उसके नीचे वाला AM और नीचे वाला शॉर्टवेव वाला का है, उसको आप उसको स्लाइड करके कर सकते हैं। और नीचे वाला जो बटन है वो उसका ऑन ऑफ और वॉल्यूम की है, आप उसमें वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे एक पोर्ट दिया गया है जिसमें आप 5 volt का DC अडाप्टर लगा के उसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं। और ये आया उसका बैटरी का कंपार्टमेंट, जिसके नीचे आप बड़ा वाला 2 cell डाल सकते हैं, और या तो फिर आप उसको बैटरी के बिना यहाँ पे जो पोर्ट है, यहाँ पे जो पावर केबल दिया था उसको लगा के आप चाहे तो चार्जिंग करके या तो फिर डायरेक्ट पावर से भी चला सकते हैं। हो गया काम। और यहाँ पे IPL का स्टीकर लगा हुआ है, बट नो फिजिकल ब्रांडिंग, जैसे कि यहाँ पे एनग्रेविंग हुआ है वैसा नहीं है। और ये रहा एरियल। अच्छा, सिग्नल के लिए आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ये चीज से सावधान रहिए, पता नहीं कब क्या टूटा उटा सामान आपके पास आ जाए। ऑफकोर्स यू हैव द रिटर्न पॉलिसी, आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई सिग्नल पकड़ नहीं रहा है, इसीलिए ऐसा आवाज़ आ रहा है। हम लोग इसको बाहर लेके देखेंगे, घर के अंदर कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं पकड़ रहा है, लगता है घर के बाहर पकड़ सकता है। हम लोग बाहर लेके इसको ट्राई टेस्ट करके आपको वीडियो दे रहे हैं। सो लेट्स गो आउटसाइड। On Sunday, yesterday England defeated India by 10 wickets in the second semi-final at Adelaide, chasing a target of 169 runs to win. England achieved the target in 16 overs. Earlier, India scored 168 for 6. And that is the end of this news bulletin. Oh,
ରଚନା ଓ ପ୍ରଯୋଜନା ରମାପତ ନନ୍ଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ସହିତ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଚଳିତ। इसका ऑडियो क्वालिटी बहुत सही है, लेकिन 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 ये सिर्फ आउटसाइड ही काम करता है, रूम के अंदर चलता नहीं है सही से, वही प्रॉब्लम है। अगर आपका खुला एरिया है, आप चाहें कि छत के ऊपर बजा सकते हैं या फिर बाहर जगह पर गार्डन पर बजा सकते हैं, तब लीजिए, नहीं तो घर के अंदर ये चलता नहीं है AM में। और बाकी FM भी नहीं चलता है, सिर्फ ब्लूटूथ चलता है। बहुत